अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अंजुम आ रहा है माई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये थाल पोस आज बनाना बताऊंगी और ये बनाने में बहुत आसान है। ये सिर्फ ऊन और मोती से थोड़ा सा, ये 5 मोती लगा है और बाकी ये 2 रंगों में ये थाल पोस बन के रेडी हुआ है और बनाने में एकदम आसान है। 1 से आधे घंटे में ये आराम से बन जाएगा। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए इस 2 रंग से शुरू करते हैं बनाना। सब ये 2 प्लाई का ऊन है और ये हम 2 रंग से बनाएंगे। तो देखिए, इस टाइप का टिकिया बनाना है और जोड़ना है। तो चलिए किस तरह से बनाते हैं वो हम आपको बता देते हैं। इसके लिए देखिए, हमने 8 नंबर का क्रोशिया लिया है और सबसे पहले ये वाला ऊन से बनाएंगे। तो इसे हमें नॉट लगाना है सबसे पहले इस तरह से। उसके बाद हम 6 चैन लेंगे इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देना है। उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4 चैन लेंगे और इसमें पफ के लिए इस तरह से बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद ये सारा गिरा देंगे इस तरह से। उसके बाद फिर 2 चैन लेंगे और फिर इसी में पफ बनाएंगे। देखिए, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इस तरह से करके हम पूरे राउंड में बना के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने 6 पफ बना लिया है। देखिए, अब यहाँ पे फिर से 2 चैन लेके और ये जो पहला वाला है इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। उसके बाद हम यहाँ आएंगे, ये जो 2 चैन लिए थे इसी हॉल में, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद देखिए, 1, 2, 3, 4 चैन लेंगे यहाँ पे और इसी हॉल में हमें 2 बार पफ बनाने के लिए 6 बार निकालेंगे। देखिए, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इस तरह से फिर 1, 2 चैन लेंगे और फिर इसी हॉल में 6 बार पफ बनाएंगे के 3, 4, 5 और ये 6। आपका अगर ऊन मोटा है तो उसे आप 3 से 4 बार बनाए। ये देखिए, अब हम यहाँ पे फिर से 3 चैन लेंगे। ये देखिए, और फिर दूसरे वाले हॉल में यहाँ पे इसी तरह से 2 बार पफ बनाएंगे। इस तरह से करके पूरे राउंड बनाना है, फिर पूरे राउंड बना के आपको दिखाते हैं। देखिए, पूरा राउंड हमने बना लिया है और ये दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। और देखिए, यहाँ पे हमने सारा में 2-2 बनाया है, ये देखिए। और यहाँ पे हमने यहाँ पे जोड़ने के लिए आए तो यहाँ पे टाइट हो रहा था, तो इसमें हमने 3 बार बना दिया। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो यहाँ पे 3 पफ बना दीजिएगा
यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर यहाँ पे तीन चैन लेके इसमें हम ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ इस ऊन को कट कर देंगे, कट करके निकाल देते हैं। देखिए हमने इसे कट कर दिया है, अब हम ये वाला ऊन लगाएंगे। तो देखिए इसे हम किस तरह से लगाते हैं। सबसे पहले हमें इसमें देखिए यहाँ पे हमने तीन चैन लिया है, इस सारा जो हॉल है इसमें तीन तीन चैन लिया है। तो इस तीन चैन के अंदर हमें चार बार डबल क्रोशिया बनाना होगा इस तरह से। देखिए दो हो गया, तीन और ये चार, और फिर ये पफ के ऊपर से एक बनाएंगे। ये जो चैन लिए थे उस वाला है, और उसके बाद से फिर इस पफ के ऊपर से एक बार इस तरह से, उसके बाद फिर इस हॉल के अंदर से जो तीन चैन लिए हैं इसके अंदर से चार बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से करके पूरी रो कंप्लीट करेंगे। और देखिए इसी तरह से ये बनाया जाएगा। तो ये पूरी रो कंप्लीट करके फिर हम आपको आगे दिखाते हैं अगला राउंड कैसे बनाएंगे। सिर्फ प्लेन बनेगा, लेकिन थोड़ा सा एक एक चैन में कहीं कहीं दो बार बनाना होगा, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे, और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक दो तीन चार चैन लेंगे। चार चैन लेने के बाद यहाँ पे सारा चैन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। लेकिन देखिए यहाँ पे दो डबल क्रोशिया हमने बना लिया, फिर तीन और ये चार। अब हम यहाँ पे एक ही चैन में दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फिर एक दो तीन और ये चार, फिर इसमें दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चैन में। इसी तरह से करके पूरे राउंड बनाना है, और ये राउंड चार राउंड जाएगा। देखिए इसमें चार राउंड गया है, एक दो तीन चार। तो इस तरह से हम आपको बना के आगे दिखाते हैं। देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना देंगे। फिर यहाँ पे एक दो तीन चार चैन लेंगे, और फिर उसी तरह से बनाना है। तो इस तरह से हम दो रो और बना के फिर आगे दिखाते हैं क्या करना है। देखिए सारा में इस तरह से जाएगा, चार बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम एक ही में दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से बना के फिर आगे दिखाते हैं। देखिए पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है, ये चार राउंड हो चुका है। अब हम इसमें सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना के और इसे कट कर देंगे। कट कर देने के बाद देखिए ये सारा हमने इस तरह से जोड़ा है, जोड़ेंगे इसे। तो किस तरह से जोड़ना है चलिए हम आपको बताते हैं। ये देखिए ये जोड़ने के लिए हम ये वाला उनसे जोड़ेंगे। तो किस तरह से जोड़ना है वह हम आपको दिखाते हैं। देखिए दो टिकिया लीजिए इस तरह से,
इस तरह से। और ये देखिए जो जोड़ है इसे नीचे खींचिएगा और इस तरह से मोड़ना है, और इसे भी इस तरह से लेना है। देखिए एकदम इजी है, तो इस तरह से पहले मोड़ लेते हैं। ये देखिए, और इस दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे यहाँ पे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देना है। उसके बाद से ये जो सारा चैन है, ये सारे चैन में एक एक बार इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है, सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से सिंगल क्रोशिया हम यहाँ तक बनाते हुए फिर आपको दिखाते हैं। इस तरह से इसे मोड़ना है देखिए, और ये भी इस तरह से मोड़ेंगे। दोनों को बराबर करना है ऐसे। तो हम यहाँ से यहाँ तक बना के आपको दिखाते हैं कि कितना बार हमने यहाँ पे यहाँ तक बनाया है। तो देखिए हमने यहाँ पे 31 बार यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और ये 31। तो यहाँ पे हमने 31 बार इसे बना लिया है। अब इसे क्या करना है, इसे भी इस तरह से मोड़ेंगे और इस दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे। यहाँ पे इस तरह से रख के और बराबर कीजिएगा इस तरह से, ये आपका बराबर में आ जाएगा। तो इसे इस तरह से लेना है, और देखिए ऐसे जोड़ देंगे इसे। अब हम यहाँ पे सारा चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए फिर नीचे जाएंगे। हमने ये वाला 31 बार लिया है। तो आपका अगर इसमें थोड़ा सा कम या बेसी हो सकता है, लेकिन आपको ये वाला बराबर करना होगा इस तरह से। ये जो हमने लिया है देखिए, ये और ये, इसे बराबर करना होगा। इस गिनती पे मत जाइएगा, क्योंकि कभी यहाँ पे कोई कम या बेसी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, चलिए हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं यहाँ तक। इस तरह से यहाँ तक बना के हम दिखाते हैं फिर। देखिए ये भी हमने बना लिया है और यहाँ तक आ गए हैं। अब हम इसे इस तरह से इसे लेके थोड़ा सा टाइट कर देना है, इसे इस तरह से गिरा देंगे। तो ये देखिए ये दोनों इस तरह से आएगा आपका दिखने में। अब हम दूसरा टिकिया लेंगे और इसे इस तरह से मोड़ेंगे, और एक और लेंगे, इसे भी इस तरह से दोनों को पकड़ेंगे इस तरह से, और फिर उसी तरह से बनाना है जिस तरह से यहाँ पे हमने बनाया है, उसी तरह से सेम बनाना है। इसे और इसे
इस तरह से। और देखिए अब हम 31 बार इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 31 बार सिंगल क्रोशिया बना के फिर आगे आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ भी 31 बार ही आया है। 31 बार आने के बाद अपने आप यहाँ तक आ जाता है। और देखिए थोड़ा सा इसमें ज़्यादा हो गया था तो हमने यहाँ पे ठीक किया है। तो देखिए फिर इसमें इस तरह से दोनों को जोड़ेंगे। पहले आपको इस तरह से देखिए इस तरह से लेंगे इसे। फिर उसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए कितना इजी है आपका थाल पोस। बस आधे घंटे से एक घंटे के अंदर में आपका झालर लगा के ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसका 7 टिकिया बना लीजिए, 6-6 करके या 7-7 करके, 6-6 ही लगेगा। छोटा छोटा बनाइएगा तो 6 ही लगेगा। और इस तरह से आप जोड़ दीजिए। तो इसी तरह से करके हम पूरा टिकिया जोड़ के आपको दिखाते हैं इस तरह से। ये देखिए ये हमने 4 पत्ता जोड़ लिया है और ये लास्ट है। अगर आप ये देखिए जो हमने 4 लाइन बनाया है और ये भी हमने बढ़ा दिया है, तो इसके बदले आप 3 लाइन में ही बनाइएगा तो आपका ये 6 टिकी आएगा। और देखिए ये लास्ट वाला किस तरह से जोड़ते हैं, 6 टिकिया जोड़िएगा तो 6 पत्ता ये आपका आएगा। तो हमने यहाँ 5 टिकिया जोड़ा है। 5 टिकिया इसलिए जोड़ा है, ये देखिए ये मेरा बड़ा है, इसको हमने 1, 2, 3, 4, 5 और ये जो बीच का है इसको लेके हमने 6 लाइन बनाया है। तो आप 3 लाइन बनाइएगा तो आपका ये छोटा होगा। तो देखिए इसे ये लास्ट वाला है, देखिए ये लास्ट वाला है और लास्ट वाला इस तरह से हम जोड़ते हैं। इसे दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे जिस तरह से हमने सब पकड़ा है और फिर उसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है 31 बार इस तरह से। और 31 बार हम बना के फिर आगे आपको दिखाते हैं कि इस तरह से बनाना है। और आप चाहें तो झालर लगा सकते हैं या फिर कंगूरा बना सकते हैं या किनारा बना सकते हैं। तो देखिए पूरा हम 31 बार बना के फिर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 31 बार बना लिया है, फिर हम यहाँ पे इसे जोड़ देंगे और फिर 31 बार बना के यहाँ तक आ जाएंगे। तो फिर यहाँ तक आते हैं तो आपको दिखाते हैं किस तरह से आगे बनाना है। तो देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया है पूरा। और आप 3 लाइन में बनाना चाहते हैं तो ये आपका 6 टिकिया आएगा इस तरह से। देखिए हमने 5 टिकिया जोड़ा है और ये आप किसी भी कलर में बना सकते हैं। तो इसका किनारा भी हम बना लेंगे और इसको बीच में लगाने के लिए ये जो हमने 6 पफ बनाया है उसी तरह से यहाँ एक हमने बना के रखा है। तो यहाँ पे सुई से यहाँ पे स्टिच कर देंगे तो वो हम बाद में करेंगे, पहले हम इसे सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं।
इस तरह से बनाएं। सिर्फ सिंगल क्रोशिया बनाना है। सारे चैन में एक एक बार इस तरह से ये चारों तरफ से बनाना है। इसी तरह से बनाएंगे तो हम पूरा बना के आपको दिखाते हैं। देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से इसे ये देखिए यहाँ पे इसे इस तरह से बंद कर देंगे तो इसमें ये अटैच हो जाएगा। उसके बाद इसे हम कट कर देंगे और ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसे पीछे में कर दीजिए। तो देखिए ये जो है पफ हमने ये जो बीच में बनाया था इसे हम यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक मोती लगाइए इस तरह से और ये जो है यहाँ पे चाहे आप फेविकोल से लगा दीजिए या सुई से सुई धागा से यहाँ पे स्टिच कर दीजिए तो ये आपका इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। देखिए तो देखिए मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।